हेलो गाइज, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। एपिसोड नंबर 10 में हमने देखा था कि क्लासरैप नाम की एक लड़की होती है और उसके साथी जो एक वाटर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तभी वो वाटर फैक्ट्री में कुछ ना भी कुछ धमाका होता है और वो दब जाती है। बुरुटो से बचाने के लिए निकलता है, पर उससे पहले नरुटो से बचा लेता है और आगे का अब आज हम देखेंगे। उससे पहले गाइज, मेरा एक हाल ही में मैंने चैनल ओपन किया है गेमिंग क्रिटिक्स नाम से, तो जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट मतलब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने से पहले आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। पर क्लासरैप घायल हो जाती है और उसके सारे दोस्त उसे देखने हॉस्पिटल में आ जाते हैं, पर वो पूछती है कि बोरुटो और उसके दोस्त कहाँ पर है। तभी आगे का एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। ट्रैप, उनके बिना तुम और भी अच्छे से रह पाओगी। पता है तुम्हें क्लासरैप, क्या तुम ठीक हो? कहता है वो तो ठीक है, पर तुमने मेरी हालत बुरी कर दी है बोरुटो। तो फिर बोरुटो क्लासरैप के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मेरे पापा ने बचा दिया, कोई बात नहीं। फिर वो बाहर चला जाता है, सोचता रहता है कि अगर मैंने उस बुरी शक्ति को अगर पहले देख लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी नरुटो वहाँ पे आता है और कहता है क्या बुरी शक्ति, तुम ऐसे बेवकूफ़ काम में बीच में मत आते जाओ, समझे तुम बच्चे हो। और तभी उसके पापा उसका कान खींच कर लेके जाते हैं और बाद में यहाँ पर वो सब आ जाते हैं, जहाँ पर आपको पता ही होगा साकुरा जो डॉक्टर बन जाती है वो अंदर एक आदमी को माइंड करती रहती है जिन्होंने उस वाटर फैक्ट्री पर हमला किया था। तो यहाँ पर बुरुटो के साथी भी ये देखते रहते हैं। तभी नरुटो कहता है कि बुरुटो तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अब छोटे हो। तभी हम बाहर देखते हैं कि बुरुटो यहाँ पर लॉकर रूम के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं कि आज हम हमारा काम ठीक से करेंगे। तभी वो वहाँ पर पोस्टमैन की तरफ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज हम हमारा काम बहुत ठीक से करने वाले हैं, समझे। और तभी वो प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे डिलीवर करने पार्सल। तो तभी यहाँ पे ये सोचते रहते हैं कि क्या बुरुटो इस काम के चलते हुए उन बुरी शक्तियों को देख पाएगा। तभी वो अपने शैडो क्लोन बनाता है, पर उसके शैडो क्लोन इतने आलसी रहते हैं, वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। और वो बाद में कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो बुरुटो, हमसे नहीं हो पाएगा, और वो गायब हो जाते हैं। और फिर ये सोचते रहते हैं कि ऐसे कैसे शैडो क्लोन है इसके। पर फिर भी वो तीनों अपने काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर ये दो लड़कियाँ क्लासरैप के पास आते हैं, कहती हम रुकेंगे, पर क्लासरैप कहती नहीं तुम्हारे मम्मी पापा आए, तुम चले जाओ, और वो चले जाती है। यहाँ पर और एक बार वैसी घटना हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से कोनोहा के जो शिनोबी होते हैं वो यहाँ पर देखने आ जाते हैं कि क्या हुआ है। और ये नरुटो का दोस्त भी वहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी उसको टूटा हुआ टेबल दिखता है जिसके ऊपर एक अजीब सा पौधा उगा हुआ होता है और बाहर भीड़ जमी होती है। उन भीड़ में से मतलब बुरुटो आता है और उसके साथी आ जाते हैं, पर वो फिर से एक बार लेट हो जाते हैं जिसके कारण वो जल्दी पहुंच नहीं पाते। और यहाँ पे कुछ तो भी हो रहा होता है जहाँ पे लॉर्ड होकागे मतलब सेवेंथ होकागे और उसका दोस्त होता है और वो बातचीत करते रहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ जमी होती है और बुरुटो ऊपर से देखता रहता है कि यहाँ पे भीड़ जमी क्यों है, यहाँ हुआ क्या है। और यहाँ पर भी वही घटना हुई होती है, एक आदमी का पूरा चक्रा छीन लिया होता है और ये सोचते रहते हैं ऐसा कर कौन रहा है। और फिर वापस से वो अपने पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने कुछ छोटे मोटे दोस्तों का साथ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक साइड जाओ, और वो पूरे लीफ विलेज को कवर कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा पढ़ाई हो चुका है, हम तुम्हारे जैसे नहीं बुरुटो। और फिर ये कहती है कि हमें करना क्या है। फिर बुरुटो कहता है हाँ। तो फिर बुरुटो प्लान बताता है कि गाइज हमें पूरे लीफ विलेज में निगरानी रखनी है, देखो ये है पूरा लीफ विलेज का मैप और पूरे लीफ विलेज में आप हम सबको बिखर जाना है और जहाँ पर भी अजीब लगे तो जल्दी से मुझे बताना। फिर यहाँ पे बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैसे बताए। फिर शिकारा बोलता है कि हे कि इवाबे तुमने जो मैंने कहा था वो लाया है। इवाबे कहता है लाया है। तो फिर शिकाराई कहता है कि ये अगर आपको कुछ अजीब लगा तो ये वहाँ पे जला कर उड़ा देना रॉकेट हवा में। तो फिर बुरुटो कहता है वाह बहुत ठीक किया तुमने, चलो अभी जाते हैं। और फिर बुरुटो कहता है कि हिप हिप, और सब कहते हैं हुर्रे। और उसके बाद सब कहते हैं हम जाके जीत के ही आएंगे और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं बाहर। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो मालिक होता है इस पोस्ट ऑफिस का वो कहता है कहाँ पे जा रहे हो सारा काम छोड़ के, और वो कहता है हाँ अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। और वो इस पोस्ट ऑफिस में जो सारे लेटर्स रखे होते हैं उसके पास आता है, कहता है कि सब काम चोर है सब चले गए। और फिर अचानक वो पीछे देखता है तो उसके पीछे से एक बुरी शक्ति उसके अंदर घुस जाती है और वो सारे लेटर्स नीचे फेंक देता है और अचानक से उसको कुछ ना कुछ हो जाता है और वो बहुत बुरा बन जाता है और सारे लेटर्स निकाल के फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है। और बाद में हम देखते हैं कि वो और भी
बुरा हो जाता है और बदतर से बदतर हालात हो जाते हैं और वो पूरे लेटर्स अपने कंट्रोल में करने लगता है और हवा में उड़ाने लगता है और उसकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई ना कोई आता है जो कि इस बुरी शक्ति को कंट्रोल करता है। फिर पीछे से बुरुटो आता है, कहता है हमने तुझे पकड़ ही लिया। और फिर वो सब दोनों ऊपर देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने तुझे इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हमने पूरे लीफ विलेज में निगरानी रखी थी, पर हमें पता था कि सिर्फ आखिरी स्पॉट यही होगा, इसलिए हमने तुझे पकड़ लिया। और इवा भी उस आदमी को देखकर डर जाता है और बाद में हम देखते हैं कि आदमी कुछ कहता ही नहीं है और फिर वो इसे कंट्रोल करता है और ये सब पे हमला करने लगता है और वो भी लेटर्स का। तो ये कहते हैं हमें कुछ ना कुछ करके बचाना ही पड़ेगा। तो फिर बुरुटो कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ और फिर बुरुटो नीचे जाकर उस पर हमला करने लगता है। तो ये आदमी नीचे से ऊपर ये लेटर्स का हमला करता है पर बुरुटो वहाँ से हिल जाता है और बच जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है कि अभी किस कैसे करके हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो आदमी भाग जाता है पर रॉकेट से ये हमारे टीम के 2-3 बॉयज उसे रोक लेते हैं और वो होते हैं मिस्की और इनोजीन। और सामने से होते हैं मेडल और चोचो। ये आदमी बीच में फंस जाता है, उसको समझता नहीं क्या करना है। और फिर अंदर की बात हम देखते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री में बहुत सारे लेटर्स की बौछार होती है। वो आदमी इन सब पर हमला करने लगता है और बीच में ये आ जाता है पोस्टमैन और कहता है कि सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर अचानक से हमें कुछ ये सीन दिखता है कि बुरुटो को अपने आँख से एक मॉन्स्टर दिखने लगता है और वो मॉन्स्टर वो पूछता है कि तुम सबको दिख रहा है? तो सब कहते हैं नहीं हमें नहीं दिख रहा। तो ये कहता है हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से उसे रोकना होगा, पर रोकते रोकते वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर बुरुटो कहता है फिर कि ये क्या हो रहा है, इतनी धुआं कहाँ से आ रहा है? फिर बुरुटो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हें वो दिखा? फिर डेंकी कहता है हमें तो कुछ नहीं दिखा बुरुटो, फिर भी मैंने चश्मा पहना हुआ है, फिर भी कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गली में से वो आदमी भाग निकलता है, मेडल उसके पीछे बहुत तेज़ी से भागता है पर वो नीचे जंप मार लेता है। और मेडल कहता है मैं भी उसे पकड़ूंगा और वो भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से भागता है और बाद में वो भी जंप मार लेता है पर नीचे पानी होता है और वो कहता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, और वो पानी में नीचे गिर जाता है। और उसके बाद उसके सामने इनोजीन आती है और कहती है मतलब कि इनोजीन कहता है कि ए क्या कर रहे हो उधर नीचे? और फिर चोचो कहती है कि मैं थक गई, मेरा सांस फूल गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नीचे नाले में आ जाता है और नाले में उसको मिस्की मिलता है, पर मिस्की उसकी तरफ देखता ही रहता है जब तक वो चला जाता है। पर मिस्की ऐसा क्यों करता है वो हमें आगे जानेंगे गाइस। और वो अंधेरे में गायब होकर चला जाता है। यहाँ पर मिस्की सिर्फ उसे देखता ही रहता है आँखें फाड़ फाड़ कर। और अंदर हम देखते हैं कि पूरी हालात ठीक हो जाते हैं और पूरा पोस्ट ऑफिस ख़राब हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हारी टोपी उल्टी है। फिर सब हंसने लगते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है हमें ये सब साफ करना पड़ेगा, यही हमारी जॉब है, समझे बॉयज, चलो अभी काम पर लग जाओ। और फिर गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अचानक से दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि कुछ बुरी शक्ति कुछ बुरा कहती रहती है। तो गाइस आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, तो उस चैनल को जल्द से जल्द जाके आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैंने हाल ही में वो बनाया है। और वैसे हमारा जो चैनल है क्रिटिक्स एनिमे उसको भी आप सब्सक्राइब कर ही दो। तो चलो टेक केयर और गुड।